क्लब. सो नाउ वी हैव एंटर्ड इन एमटीडीसी बोट क्लब एंड यहाँ पे एंट्री फी है फॉर एडल्ट 70 रुपीज़ एंड बच्चों के लिए 30 रुपीज़ इन वीक डेज एंड ऑन वीकेंड इट्स 150 रुपीज़. बिलो 5 ईयर किड्स के लिए कोई एंट्री चार्ज नहीं है. एमटीडीसी बोट क्लब इन नासिक इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड ये लोकेटेड है नियर गंगापुर डैम. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एंड पर्सनल व्हीकल है देन इट्स गुड, बट अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो उसको अप एंड डाउन बोट के लिए बुक कर लो, दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन. दिस इज द रिसेप्शन एरिया ऑफ एमटीडीसी बोट क्लब एंड यहाँ पे बहुत सारे वाटर राइड्स एंड बोट राइड्स अवेलेबल हैं जिसकी डिटेल्स हम यहाँ पे ले रहे थे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो यहाँ आकर आप कोई भी राइड बुक कर सकते हैं, बट अगर टूरिस्ट ज्यादा हैं एंड प्री बुकिंग की वजह से बोट फ्री नहीं रहा तो मे बी आपको चांस ना मिले. सो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के आओ जो कि आप बुक माई शो से कर सकते हैं. एंड ऑनलाइन बुकिंग का एक और बेनिफिट ये है कि मेन गेट पे जो एंट्री टिकट है वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी. सो व्हेन एवर यू आर विजिटिंग एमटीडीसी बोट क्लब प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. इस प्लेस को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ दैट इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है एंड इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हर तरह के लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े. और जब मैं यहाँ बैठी और चारों ओर के व्यू को देखा तो मुझे कोट याद आया, कुदरत ने तराशा है और इंसानों ने संभाला है. और ये बात बिल्कुल सच है बिकॉज यहाँ की एक एक चीज में एक अलग ही खूबसूरती दिख रही थी, चाहे ये कैफेटेरिया, यहाँ लगे पाम ट्रीज, बच्चों का गार्डन, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल. हम यहाँ पे अपने प्राइवेट क्रूज की बुकिंग ऑनलाइन करके आए थे सो हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा एंड हमारी टर्न आ गई एंड नाउ वी आर गेटिंग रेडी फॉर आवर राइड. सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी हम अपने प्राइवेट बोट की ओर जा रहे हैं. दिस इज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ राइड एंड रियली आई एम सो एक्साइटेड. और यहाँ बोट पे जाने से पहले हमें अपने शूज रिमूव करने पड़ेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर राइड. आप हमें ले जाओगे? ये गीला कैसे है भैया? अच्छा आता है पानी, मतलब हम लोग गीले होंगे? नहीं 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 होंगे, गीले नहीं होंगे, इसी भी यहाँ पे ही गीला है, बाकी जगह पे नहीं. सो फाइनली हम अपने क्रूज पे बैठ चुके हैं. हमने प्राइवेट बोट बुक किया एंड इसकी प्राइसेस थोड़े हाई है जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो में, बट इट्स रियली अमेजिंग. अभी मैं पूरा एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे. भैया कितने देर का राइड रहेगा? 40 मिनट. 40 मिनट का? Yes.
इस तरफ है ना त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से जो गोदावरी नदी आती है ना वो इस तरफ से आती है, फिर यहाँ से नीचे पंचवटी में जाती है। ओके। और इस तरफ है ना सुलावाहिनीयाड है। हाँ हाँ, सुलावाहिनीयाड जो नासिक की फेमस वाइन है ना। हाँ, वो इस तरफ है। और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रहे है ना आपको, ये देखो आपके सामने ही है। हाँ, हाँ, ये यॉर्क वाइनरी है। ओके। और यहाँ पे सोमा वाइनरी, सभी वाइनरीज है ना एक ही तरफ है। ओके। इधर डैम का बैक वाटर, गंगापुर डैम का ये बैक वाटर। वहाँ हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, वहाँ पे आप अलाउ नहीं है, हमको जाने के अलाउ नहीं है। और ये डैम है ना मिट्टी से बांधा हुआ है। अच्छा। दीवार उसकी, तो मिट्टी बहती नहीं पानी में? नहीं, वो ब्रिटिश कालीन है। अच्छा, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग है मिट्टी से बने हुए डैम। हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग इस प्लेस पे आओ, MTDC बोट क्लब। एंड यहाँ पे हर तरह की, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अवेल नहीं कर सकते, रीजनेबल से रीजनेबल रेट्स भी अवेलेबल हैं, हर तरह की बोटिंग ऑप्शन है यहाँ पे, इट्स नॉट अ बिग इशू। बट हमने जो अभी प्राइवेट क्रूज बुक किया है इस पे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। म्यूजिक जो भैया चला रहे हैं वो एक अलग ही वाइब ला रहा है हमारे अंदर, बिना डांस किए तो रह नहीं सकते। सो बहुत अल्टीमेटली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है ये, एकदम से 100% इंजॉयबल है, अनडाउटेडली आप इंजॉय करोगे। यस, इनफैक्ट आप गिन्नी से पूछ लो। गिन्नी, तुम इंजॉय कर रही हो? हाँ। ओके। Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. बैग तो ले ले। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम। यहाँ पर देखिए पल्लवी भी जेट स्की का वेट करते हुए। गिनी मुझे मना कर रही थी कि मत जाओ मम्मा गीली हो जाओगी, और अब मुझे डांट पड़ रही है कि अब भीग गई ना, मजा आ गया तुम्हें। तुम्हारा राइड कैसा रहा? बहुत मजा आया, ऑसम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम किया मैंने, मुझे बहुत मजा आया। अब चुप रहो। यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, बट मेरा बहुत टाइम से मन था जेट स्की करने का, तो मैंने वही ऑप्ट किया। एंड पहले बता दीजिए कि बहुत मजा आया। गिन्नी को भी करना था एक्चुअली। गिन्नी तुम्हें करना था क्या? हाँ। ठीक है, तुम्हें भी करवाया जाएगा। जेट्स
स्की के बाद मैं ऑलमोस्ट पूरी गीली हो गई थी, सो आई नीड टू चेंज। एंड यहाँ का वॉशरूम एज वेल एज चेंजिंग रूम जो कि सेपरेट था, दैट वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन, सो आई वॉज सो हैप्पी। एंड ये सारे वॉटर स्पोर्ट्स आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, सो डेफिनेटली यू गोना हैव अ लॉट ऑफ फन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हियर। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ सनसेट, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली लोग सनसेट को इंजॉय करने आते हैं, जो कि आप भी इस वीडियो में देख पाएंगे। आफ्टर सनसेट हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया कैफे में विद स्नैक्स एंड इवनिंग टी, और साथ में यहाँ पे सनमपुरी के सॉन्ग्स चल रहे थे, तो हमारा तो जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। बट नाउ इट्स 7 o'clock एंड हमने अपने ऑटो वाले भैया को कॉल भी कर दिया था, वो पहुँच चुके हैं, सो वी हैव टू टेक एग्जिट फ्रॉम MTDC बोट क्लब। बट अगर मैं अपना ऑल ओवर एक्सपीरियंस समराइज करूँ तो इट वॉज ऑसम, सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, मस्ट विजिट प्लेस। जब भी आप नासिक आओ देन डेफिनेटली इसको अपने लिस्ट में ज़रूर रखना। इसके साथ साथ वन मोर रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू डू, अगर वीडियो पसंद आया देन डेफिनेटली लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कीप मोटिवेटेड मी, तभी मैं इन फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे वीडियोज ला पाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे आ जाएगा।